क्या तुम रेडी हो? हाँ हूँ। तो फिर बुरा मत मानना डोरेमोन। हाँ हाँ ठीक है। आइसक्रीम खाऊंगा और तुम 50 रुपए वाली। हाँ हाँ ठीक है, तो जाओ लेकर आओ। मैं अभी लेकर आता हूँ डोरेमोन। मुझे ये तो आइसक्रीम चाहिए। हाँ हाँ ये ले लीजिए। ये लीजिए पैसे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इसे पिघलने से पहले खाना होगा। आइसक्रीम आइसक्रीम। हाँ, क्या आइसक्रीम दोगे या नहीं? ठीक है मेरे पास 100 रुपए वाली है और 50 रुपए वाली। दरअसल नोबिता मैं सस्ती वाली लूंगा, ये लो 50 रुपए। ठीक है। हाँ, आज तो मजा आ गया। हाँ, अब मुझे जाकर एक और आइसक्रीम खरीदनी होगी। एक मिनट रुको। अरे क्या हो गया? तुम मुझे 50 रुपए और दोगे? लेकिन क्यों? मुझे नहीं पता, तुमने मुझे सिर्फ 50 रुपए दिए हैं और बाकी के 50 रुपए नहीं दिए। मुझे मेरे पैसे वापस करो। नोबिता कैसी बातें कर रहे हो तुम? चलो ठीक है, हम हिसाब कर 50 रुपए वाली आइसक्रीम मिलाकर कितना हुआ। अरे हाँ 100 रुपए हुए। तो फिर? अरे हाँ सही बात तो है, माफ करना मैंने तुम पर गुस्सा किया। कोई बात नहीं, बस आपस में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। क्या? ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें पता भी है तुमने उसे 50 रुपए में 100 सानी से बुद्धू बना दिया। हाँ डोरेमोन, पहले मुझे भी ऐसा लगा था लेकिन बाद में मुझे समझ आ गया। मैं तुम्हें भी समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले जियान ने मुझे 50 रुपए दिए और फिर 50 रुपए वाली आइसक्रीम वापस कर दी। तो तुम ही बताओ 50 और 50 कितने हुए? 100 रुपए। तो मुझे 100 रुपए वापस मिल गए और मैं ये आइसक्रीम ले आया। बीबी इसे आसानी से बुद्धू बना देगा और अगर ऐसा रहा तो ये आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। स्वीट बीन पेस। इसे खाने के बाद तुम किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करोगे। तुम हर बात पर शक करोगे और हर चीज को अच्छी तरह समझने की कोशिश। बहुत देर सोचने के बाद मुझे लगता है कुछ गड़बड़ जरूर है। तुमने मुझे धोखा दिया, अब देखना मैं क्या करूंगा। लगता है तुम्हें समझ आ गया। तुम ही हो ना जिसने मुझे धोखा दिया। हटो हटो, मैंने क्या किया है? तुम्हें जियान ने धोखा। अब मुझे ऐसे मत देखो, डर लग रहा है। हाँ? क्या सच में? और क्या दोस्तों, नोबिता को बुद्धू बनाना मेरे लिए सबसे आसान काम है। नोबिता को इतनी सी बात समझ में नहीं आई, हम नोबिता से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं जियान? लेकिन ये गलत बात है। ठीक है ठीक है। तुम गुस्सा मत हो, ये लो तुम्हारे 50 रुपए। 50 रुपए को 100 रुपए बना दिया तुमने, बोलो। नोबिता इतना गुस्सा मत करो, मुझसे गलती हो गई। मैंने इसके बारे में खूब सोचा। अब सुनो, तुमने मुझे सिर्फ 50 रुपए वापस किए थे जियान, सिर्फ 50 रुपए। और मैंने तुम्हें 50 रुपए में 100 रुपए की आइसक्रीम दे दी। पर मैंने 50 रुपए दिए भी तो थे ना। उससे टोटल हुआ 150 रुपए और तुमने मुझे सिर्फ 50 रुपए वापस किए हैं। मतलब मेरे 100 रुपए तुम्हारे पास है और तुमने वापस नहीं किए। देखो जरा शांत हो जाओ, मुझे कुछ सोचने तो दो। देखो सबसे पहले मैंने तुम्हें 50 रुपए दिए और वो 50 रुपए थे 50 रुपए वाली आइसक्रीम के लिए, समझ रहे हो ना? तो मेरे 100 रुपए वापस दो। इस बार मैं बेवकूफ नहीं बनने वाला जियान। वापस दो मेरे पैसे, वापस करो मेरे पैसे जियान। जब तक तुम मुझे मेरे पैसे वापस नहीं करते मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मुझे 100 रुपए वापस करो। कहाँ भाग रहे हो? चोर चोर, इसने मेरे पैसे चुराए हैं, इसने मेरे 100 रुपए चुराए हैं। जियान, छुपने से कुछ नहीं होगा जियान, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अब मुझसे बचकर कहाँ जाओगे तुम जियान? अरे इसे क्या हो गया? ठीक है, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा उसे। अरे रुको, मैंने कहा ना वो घर पर नहीं है, अंदर कहाँ जा रहे हो? पक्की बात की वो घर के अंदर ही है, इसलिए आप मुझे अंदर जाने नहीं दे रही हैं ना आंटी? मैं जानता हूँ तुम अंदर ही हो जियान। वहाँ पर मैंने जियान को देखा था नोबिता। अच्छा, तो तुम भी मुझे बेवकूफ बना रहे हो? ये तुम क्या कह रहे हो नोबिता? हो ना, ऐसा नहीं है नोबिता, मैंने तुम्हें देख लिया। बाहर आओ जियान। सबकी चालाकी के बारे में जानता हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? उसे ये सब नहीं करना चाहिए डोरेमोन, तुम्हें उसे रोकना ही होगा। मतलब वो कुछ ज्यादा ही चालाक बन गया है। आखिर तुम मुझे ये क्यों पिलाना चाहते हो?
बस ऐसे ही। बड़ी मुश्किल से तो मैं चालाक बना हूँ, अगर ठीक हो गया तो वापस बुद्धू बन जाऊंगा। प्लीज पी लो ना नोबिता। मैं समझ गया, तुम सब मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो ना। बोलो। मैं ऐसा क्यों चाहूंगा नोबिता। ये जियान कहाँ है और इतना शोर क्यों हो रहा है? गाड़ियों की आवाजें आ रही हैं। जियान कहाँ है? नोबिता देखो मेरे पास ये ड्रिंक है, तुम इसे मत पीना, ये बहुत कड़वी है। झूठ मत बोलो, तुम मुझे इसे क्यों नहीं पिलाना चाहते हो? नोबिता तुम तो फिर से पहले जैसे हो गए। अरे नोबिता अभी भी मुझे ढूंढ रहा है। हमने उसे बताया कि तुम नहीं हो, फिर भी उसने बात नहीं मानी। आखिर उसे हो क्या गया है, वो इतना जिद्दी क्यों बन गया? तुमको उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक कहती हो तुम शिजुका, अगर ऐसा है तो मैं उसके पैसे लौटा देता हूँ। हाँ अब तो यही करना ठीक रहेगा। लेकिन मुझे अभी भी लग, मैं वापस दूंगा। लेकिन ध्यान से सुनना नोबिता मेरी बात, ये कोई आम कॉइन नहीं है, ये एक बेशकीमती कॉइन है जिसके आगे और पीछे दोनों तरफ के डिजाइन बिल्कुल अलग हैं। ऐसा है क्या? हाँ नोबिता, और मैं तुम्हें अब 100 रुपए की जगह अपना ये बेशकीमती कॉइन देने वाला हूँ। अरे ये तो कमाल हो गया, शुक्रिया जियान।